हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय चैनल। दिस इज रोशन सर मैक्स। चलिए माय डियर स्टूडेंट्स, एक नए वीडियो की शुरुआत हम करते हैं। आपके लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट वीडियो है, एंड तक देखिए। और अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर ले, वीडियो को लाइक और शेयर भी कर दे। आप सभी जानते हैं कि मैं आपके लिए मैथमेटिक्स और तेलुगु इस चैनल पर अपलोड करता हूँ और एवरी संडे एक मोटिवेशनल स्पीच अपलोड करता हूं आप सभी के लिए। तो आज भी उसी तरह एक मोटिवेशनल वीडियो है आप सभी के लिए। देखते हैं किस हद तक आप मोटिवेट होते हैं या नहीं। माय डियर स्टूडेंट्स, जैसे स्कूल स्टार्ट हुए हैं, सिलेबस भी आपका रनिंग है, चल रहा है सिलेबस। अब ऐसे में कुछ स्टूडेंट्स लगे हुए हैं अपने स्टडीज को लेकर सीरियसली, और कुछ स्टूडेंट्स अभी भी टाइम पास में हैं, और कुछ स्टूडेंट्स तो बिल्कुल नहीं पढ़ रहे। तो माय डियर स्टूडेंट्स, जो पढ़ रहे हैं उन स्टूडेंट्स के लिए बोर्ड एग्जाम बहुत इजी हो जाएगा। जो एवरेज स्टूडेंट्स है वो लोग भी अगर अभी से कोशिश करेंगे तो वो लोगों के लिए भी इजी होगा। जो बिल्कुल डल स्टूडेंट्स है वो लोग भी अगर अभी से एटलीस्ट कोशिश करते हैं तो एनुअल तक शायद वो लोगों का प्रेशर आउट हो जाएगा। डियर स्टूडेंट्स, देखिए सबसे पहले माइंड डिस्ट्रैक्शन खत्म करना होगा आपको। बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, इसको अपने ध्यान में रखिए। क्योंकि हम जब भी पढ़ने बैठते हैं या कुछ काम करने बैठते हैं तो हमारा एक माइंड एक ऐसा वेपन है जो डिस्ट्रैक्शन हो जाता है। कुछ करें तो कुछ करने के लिए कहता है, कुछ करें कुछ और करने के लिए मन कहता है। तो सबसे पहले आपको अपने माइंड पे काबू करना सीखना है। कैसे होगा ये काबू? एक दिन में होगा, दो दिन में नहीं, डेली एक 15 मिनट्स, 30 मिनट्स, उसके बाद 5 मिनट्स अगर बढ़ाते चले जाएंगे आराम से आपका माइंड आपके काबू में आ जाएगा। आप जैसा चाहे वैसा वो सुनेगा। अगर माइंड तो चंचल है, अगर आप उसको कंट्रोल में नहीं रखेंगे तो वो अपना काम करेगा। आपने पढ़ने बैठे हैं तो कुछ कोई और याद दिलाएगा, फ्रेंड याद दिलाएगा। आप पढ़ने बैठे हैं तो इंस्टाग्राम या फेसबुक याद दिलाएगा, यूट्यूब याद दिलाएगा, पिक्चर याद दिलाएगा, कुछ ना कुछ आपको याद दिलाएगा। लेकिन उस याद को ख़त्म करने के लिए आपको अपने स्टडी पे फोकस करना होगा। ये कौन कर पाते हैं? सिर्फ आप ही कर पाते हैं। तो बेस्ट चीज़, सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ है अपने माइंड डाइवर्शन को रोकना। और इसको रोकने के लिए एक ही दिन में दो दिन में नहीं होगा, धीरे 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 करना होगा। जैसे आपने पहले ऐसा कीजिए कि आपको जो इंटरेस्टेड सब्जेक्ट है वो पढ़ना शुरू कीजिए। कुछ स्टूडेंट्स मैथमेटिक्स अच्छा पढ़ते हैं, कुछ स्टूडेंट्स को इंग्लिश इंटरेस्टिंग लगता है, कुछ स्टूडेंट्स को तेलुगु इंटरेस्टिंग लगता है, कुछ स्टूडेंट्स को सोशल साइंस। तो जो सब्जेक्ट आपको इंटरेस्ट लग रहा है उस सब्जेक्ट को ज़्यादा टाइम दीजिए। जो सब्जेक्ट में आपको डाउट है, आपका माइंड डिस्ट्रैक्शन होने का चांस आपको दिख रहा है, आपका माइंड डाइवर्ट होने का आपको चांस दिख रहा है, तो वैसे सब्जेक्ट को थोड़ा कम टाइम दीजिए। एक 15 मिनट, अगर इजी सब्जेक्ट आप 1 आवर पढ़ रहे हैं तो इजी सब्जेक्ट को एक 15 मिनट्स टाइम दीजिए। लेकिन फोकस, अपना माइंड फोकस पूरा उस सब्जेक्ट पे कीजिए। फॉर एग्जांपल, एक मैथमेटिक्स से क्वेश्चन आप ले लिए, अगर क्वेश्चन सॉल्व करते वक्त आपका माइंड डाइवर्ट हो गया या डाइवर्ट हो जाएगा या कुछ और यादें आपको आते रहेंगे तो उस क्वेश्चन में आपका मन नहीं लगेगा, उसके स्टेप्स आपको याद नहीं आएंगे। आप लोग सोच रहे हैं सिर्फ मैथमेटिक्स नहीं, अदर सब्जेक्ट में भी ऐसी होगा। आप देखिए स्कूल में आप जब बैठते हैं, एक लेसन अगर आपका चल रहा है, टीचर अच्छे से एक्सप्लेन करते हैं तो आप क्या करते हैं, आपका माइंड डाइवर्ट की वजह से अपने फ्रेंड से गपशप मारना या किसी को छेड़ना, मतलब बुक लेके मारना, पेन फेंकना या कुछ और करना, इस तरीके की चीज़ें हमारे माइंड को डाइवर्शन करते रहती है। तो ये माइंड डाइवर्शन को रोकने के लिए फोकस कंप्लीट उस पर करना है, बिल्कुल स्ट्रेट फॉरवर्ड, बिल्कुल आपका माइंड कहीं पर भी सेट नहीं है, कहीं पे इधर उधर नहीं जाना, माइंड सेट एकदम सटीक आपको सब्जेक्ट पे जो टीचर कह रहे हैं उसी पर रहना है। और टीचर अगर कुछ कह रहे हैं तो ये इस तरह होगा, अगर इस तरह होगा तो कैसे होगा, क्वेश्चंस भी आपके माइंड में आना चाहिए। एक लेसन आपका चल रहा है, उस लेसन के अगर इंटरेस्ट से अगर आप सुनेंगे, आप पूरा फोकस लगाकर सुनेंगे, आपका माइंड बिल्कुल डाइवर्ट नहीं है, बिल्कुल उसी टॉपिक पे है, तो क्या होगा, वो टॉपिक आपके दिमाग में अच्छी तरह घुस जाएगा। आपको ज्यादा मेहनत करने की इसको जरूरत नहीं पड़ेगी।
नोट्स आराम से उन से बना पाओगे, उस लेसन में से जिस लेसन को आप अच्छी तरह समझे हैं उस लेसन से कहीं पर से भी क्वेश्चंस आए आप आसानी से लिखने के काबिल बन जाओगे। नहीं, हम तो वही करेंगे जो करते हुए आए हैं। एक लेसन चल रहा है, हम इधर उधर देखेंगे, टाइम पास करेंगे, 45 मिनट्स हो जाएगा या 1 आवर हो जाएगा, एक टीचर जाएंगे, दूसरे टीचर आएंगे, इस तरह करेंगे तो आपको क्या होगा, फिर एक बार स्टार्टिंग से पढ़ने की नौबत आएगी। इस नौबत को नहीं आना है तो माइंड डाइवर्शन आपको रोकना पड़ेगा, माइंड का फोकस आपके स्टडीज पे होना पड़ेगा, और माइंड का जो चंचलपन है मतलब इधर उधर घूमने का है उसको रोकना बहुत ही जरूरी है। एटलीस्ट अपने फ्यूचर बनाने के लिए ये सोचिए, आपको फ्यूचर अपना बनाना है, अपने माँ बाप के लिए कुछ करना है आपको, बहुत सारे अपने फ्रेंड्स के एक्सपेक्टेशन आप पर रहते हैं, बहुत सारे जो स्कूल के टीचर्स होते हैं वो टीचर्स भी आप पे उम्मीद लगाए बैठे हैं या उम्मीद लगाए बैठते हैं, या आप खुद अपने फ्यूचर के लिए उम्मीद लगाए बैठते हैं कि मैं अगर इस क्लास को पास करूंगा तो आगे की क्लास में मैं ये सब्जेक्ट लूंगा, ये बनूंगा, ये बनूंगा, इस तरह आपका खुद एक ओपिनियन रहता है। लेकिन बहुत सारे स्टूडेंट्स अभी भी सीरियस नहीं ले रहे हैं। मैं इतनी मेहनत से वीडियो बनाता हूँ, मेरे वीडियो देख रहे ही नहीं, बहुत मेहनत तो लगती है वीडियो बनाने लेकिन व्यूज नहीं। मैं जानता हूँ आप अपने सब्जेक्ट में बिजी होंगे, लेकिन एक 15 हाफ 30 मिनट्स अगर आप देखेंगे तो आपका डाउट क्लियर हो जाएगा। दूसरे सब्जेक्ट पढ़िए लेकिन मैथमेटिक्स और तेलुगु के लिए एक आधा घंटा टाइम दे दीजिए, या आप मेरा ही नहीं मेरे से अच्छा और क्रिएटर से वहां पर भी आप देख सकते हो, लेकिन डाउट क्लियर करते हुए कॉन्फिडेंसली आपको पढ़ना है, तभी तो आप जाकर अपना एग्जाम क्रैक कर पाओगे। नहीं, आप क्या पढ़ रहे याद नहीं रह रहा है, हम क्या पढ़ रहे हैं हमको समझ नहीं आ रहा है, हम क्या पढ़ रहे हैं हमको दिमाग में घुस रहा ही नहीं है, हम क्या पढ़ रहे क्या पढ़ क्या है, हम घर को जाएंगे तो हमको कुछ भी पता नहीं चला कि स्कूल में क्या हुआ क्या नहीं हुआ। ये सिर्फ सिर्फ आपके माइंड की वजह से, ये अगर आप सटीक रखेंगे, इस पे अगर काबू पाएंगे, सारे क्वेश्चंस का जवाब खुद ब खुद आप ढूंढ ले सकोगे, आपको खुद को मिल जाएगा सारे क्वेश्चंस का जवाब। तो माय डियर स्टूडेंट्स, एक एक करते करते आपके एग्जाम्स आते जाएंगे और एक एक एग्जाम्स आपको करीब होते ही जाएगा, तो उस एग्जाम्स को क्रैक करना है तो आपको स्टार्टिंग से ही मेहनत करना बहुत ही जरूरी है। टाइम दीजिए, अपने आप को टाइम दीजिए, अपने स्टडीज को टाइम दीजिए और अपने आप पे फोकस कीजिए। आप एक माइंडसेट बनाइए कि हमको ये करना है, ये करना है, ये करना है। जब तक आपका एक गोल नहीं होगा, एक टारगेट नहीं होगा, एक एम नहीं होगा, तब तक आप में उतना इंटरेस्ट नहीं आएगा जितना आप चाहते हो। किसी एक को कॉम्पिटिटर बना लीजिए, आप अपने फ्रेंड को कॉम्पिटिटर बना लीजिए। अरे वो स्टूडेंट्स 45 मिनट्स हमारे साथ ही पढ़ रहा है, हमको जो टीचर पढ़ा रहे हैं वही टीचर वो स्टूडेंट्स को भी पढ़ा रहे हैं, फिर वो स्टूडेंट फर्स्ट क्यों आ रहा है, हम लास्ट क्यों आ रहे हैं, ये क्वेश्चन आप कीजिए अपने आप से। सेम टीचर, सेम सब्जेक्ट, सेम टाइम, सेम स्कूल, लेकिन वो स्टूडेंट फर्स्ट आप लास्ट, या वो स्टूडेंट फर्स्ट आप सेकेंड, वो स्टूडेंट फर्स्ट या आप फोर्थ फिफ्थ, ये क्वेश्चन आपको अपने आप में करना है, कॉम्पिटिटर बना लेना है कि ठीक है उन्होंने इस बार फर्स्ट आए, अब हम कोशिश करेंगे उसको पीछे करेंगे। ये कोशिश अगर आपकी रहेगी तो आप 100% अपने जो टारगेट बना है, जो गोल बना है, उसके अंदर कामयाब हो पाओगे। बस एक कुछ बातें थे आपको बतलाना, एक मोटिवेशनल स्पीच समझिए या कुछ अच्छी बातें समझिए, क्योंकि बातें तो बहुत है बोलने के लिए लेकिन टाइम उतना ज़्यादा नहीं रहेगा। बहुत सारे स्टूडेंट्स कमेंट कर रहे हैं, उन सभी का थैंक यू अदा करता हूँ मैं, थैंक्स कहना चाहता हूँ ईच एंड एवरी सब्सक्राइबर, क्योंकि आपने मुझे बहुत ही मोटिवेट किया है। आपके कमेंट एवरी कमेंट में पढ़ता हूँ, अगर आप कुछ अच्छे कमेंट भी करते हैं तो उससे मुझको नया आइडिया भी आता है कि अरे ये तो मैंने भूल गया था, ये मैं अपलोड करूँगा, वो मुझको याद भी आता है। और सभी सब्सक्राइबर्स का धन्यवाद जिसने मुझको ये याद दिलाने की कोशिश की है। और बहुत सारे स्टूडेंट चाहते हैं कि 1 मिलियन 2 मिलियन व्यू जाए, देखिए 1 मिलियन 2 मिलियन व्यू जाए या ना जाए, बस आप के लिए मेरा इस चैनल से कुछ 0.0001% भी अगर बेनिफिट हो रहा है तो इससे बड़े सौभाग्य की, इससे बड़े खुशकिस्मती
खुशकिस्मती मेरी कुछ भी नहीं हो सकती कि मेरे वजह से एक स्टूडेंट्स का लाइफ सेट हुआ है, मेरे स्टूडेंट से एक लाइफ, एक स्टूडेंट मेरी तरफ से, एक स्टूडेंट मेरी वजह से कुछ सीखा है, एक क्वेश्चन भी अगर सीखा है, पूरी रीडर नहीं, पूरे रीडर में से एक दो क्वेश्चन भी मेरी तरफ से अगर वो लोग सीख रहे हैं, तो इससे बड़ी खुश नसीबी, इससे बड़ी सौभाग्य मेरे लिए कुछ भी नहीं हो सकता। ये थे कुछ बातें, उम्मीद करता हूँ कि आपको अच्छे लगे होंगे। और इसी तरीके के अपडेट चाहते हैं या वीडियोस चाहते हैं तो आप ज़रूर चैनल को सब्सक्राइब कर लिए